जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। बताते चलें कि विशेष केंद्रीय सहायता निधि योजना अनावध निधि से स्वीकृत बेंगाबाद प्रखंड की महुआर पंचायत के लक्ष्मीपुर गांव में हो रहे तालाब जीर्णोद्धार को लेकर प्राकृत राशि से 30% की राशि कम के द्वारा आवंटित होने पर ग्रामीणों में भारी आक्रोश। जी मैं बात कर रहा हूं बेंगाबाद के लक्ष्मीपुर गांव का, जहां पर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इधर ग्रामीणों द्वारा आज विरोध भी जताया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि लाभुक समिति के द्वारा पानी पंचायत योजना के द्वारा यह कार्य हो, कहा कि प्राकलित राशि से कम राशि आवंटित होने से तालाब में जो भी कार्य होगा वह बेहतर नहीं होगा। साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, अगर हम ग्रामीणों की बात नहीं मानी गई तो चरणबद्ध आंदोलन भी करने को तैयार है। इधर इस मामले को लेकर उपायुक्त को ग्रामीणों के द्वारा आवेदन भी दिया गया है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं आक्रोशपूर्ण ग्रामीण और क्या है मामला और कैसा है तालाब। आप देख पा रहे थे अभी ये जो स्क्रीन पर जो तालाब का यह नजारा है। बताते चले कि बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में तालाबों की स्थिति काफी जर्जर है। वर्षों बाद सरकार की नींद खुलने के बाद तालाब जीर्णोद्धार का सूद लिया गया है, लेकिन ऐसी अड़चने और ऐसे मामले आ जाने से पुनः कहीं मामला धरा का धरा नहीं रह जाए, कहीं धरातल पर उतर ना पाए, इसके लिए जरूरत है आला पदाधिकारियों को जागने की और जो समुचित और उचित हो उसे करने की। आइए देखते हैं क्या कहते हैं ग्रामीण। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। बताते चले कि इधर संवेदक से बात करने का प्रयास किया गया, जो संवेदक पवन कुमार, लेकिन संपर्क नहीं हो पाने के कारण उससे संपर्क नहीं हुआ। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। बेंगाबाद के लक्ष्मीपुर में एनआरईपी मद से तालाब निर्माण की मिली स्वीकृति, प्राकलित राशि कम देखकर भड़के ग्रामीणों ने जताया विरोध। बताया जाता है प्राकलित राशि से 30% कम की राशि में कार्य आवंटित कराया गया है, जिससे तालाब का जीर्णोद्धार न होकर और तालाब की स्थिति खराब हो जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब का निर्माण लाभुक समिति पानी पंचायत द्वारा जीर्णोद्धार हो, अन्यथा सड़क पर उतरकर आंदोलन को बाध्य होंगे। कहा ग्रामीणों द्वारा पानी पंचायत में 10% की राशि अंशदान करने का निर्णय भी लिया है। उक्त मामले को लेकर ग्रामीणों ने उपायुक्त को आवेदन भी दिया। नहीं कराया जाए, क्योंकि 30% लेस करके अगर कराया जाएगा तो सही ढंग से काम नहीं होगा। इसलिए उपायुक्त महोदय से हम लोग मांग करते हैं कि ये स्थानीय ग्रामीण पानी पंचायत के द्वारा कराया जाए, ताकि तालाब का कार्य सही ढंग से हो सके। धन्यवाद। 10% जो लगेगा हम लोग सभी ग्रामीण मिलकर उसका अनुदान देने के लिए तैयार हैं और हम लोग अपने देखरेख में कार्य कराने के लिए तैयार हैं। हम लोग इसका विरोध करते हैं, 30% जो लेस में कार्य लिया है इसका। इसलिए उपायुक्त महोदय से निवेदन है कि वो पानीपत माध्यम से स्थानीय ग्रामीण के देखरेख में काम हो, लाभुक समिति से इसका कार्य हो, इसका ठेकेदार का हम लोग विरोध करते हैं। लाभुक समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लाभुक समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्थानीय ग्रामीण जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्थानीय ग्रामीण जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आज हम लोग ग्राम लक्ष्मीपुर के तालाब के पास पूरा ग्रामीण हम लोग जमा हुए हैं, और इसलिए जमा हुए हैं कि इस तालाब में जो टेंडर जो लिया है जो ठेकेदार, वो 30% लेस करके लिया है। तालाब बड़ा है और 30% लेस करने से
24 लाख में 30% लेस किया तो 16 लाख कुछ 56 हजार के लमसम इस तरह बताया जा रहा है कि इतना राशि से कार्य होगा, जिसका हम लोग पूरा ग्रामीण विरोध करते हैं। उतना राशि में काम नहीं हो पाएगा और इस तालाब से दुधीडी, लक्ष्मीपुर, जम्बात, मंगरोडी, मंझलाडी ये 4-5 गांव जो है सो इस तालाब से सिंचाई करता है। और अगर तालाब बढ़िया से नहीं बनेगा तो हम लोग को सिंचाई करने में बहुत कठिनाई होगा, पानी का स्तर बहुत कम चला जाएगा। इसलिए हम लोग इस ठेकेदार को 30% जो लेस किया है इसका हम लोग पूरा ग्रामीण विरोध करते हैं और माननीय उपायुक्त महोदय से हम लोग मांग करते हैं पूरा ग्रामीण कि इस तालाब को पानी पंचायत के माध्यम से लाभुक समिति के द्वारा करवाया जाए। पूरा ग्रामीण हम लोग लाभुक समिति के द्वारा इस तालाब को काम करने के लिए हम लोग सब रेडी हैं हम लोग। और जो भी 10% इसका अनुदान राशि लगता है पानी पंचायत में वो हम लोग पूरा गांव का जितना भी ग्रामीण हम लोग हैं जो भी बेनिफिशियरी हैं सब मिल करके हम लोग उस राशि को जमा करेंगे और इस तालाब को बढ़िया से हम लोग काम कराएंगे। धन्यवाद जी। नमस्कार, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूले। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते हो।